पाटोदा देश प्रदेश के गौवंश में फैल रही लंपी की संक्रामक बीमारी से गौवंश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में पालतू बेसहारा गौवंश लंपी की चपेट में आ चुके हैं। सावलोदा धैलान गांव के आमजन ने लंपी से पीड़ित गौवंश को बचाने का संकल्प किया है। गांव के मध्य स्थित गौशाला में अभी 50 पीड़ित गौवंश की हर प्रकार से सेवा की जा रही है। समाज सेवी सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह ने बताया, गांव का प्रत्येक समुदाय तन मन धन से गौ सेवा में अपना सहयोग कर रहा है। गांव की युवाओं की टीम अल सुबह से देर रात तक निस्वार्थ भाव से गौ सेवा में जुटी रहती है। विजेंद्र सिंह ने बताया, पिछले एक सप्ताह से पशु चिकित्सकों की सलाह। समाज सेवी सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह ने बताया, गांव का प्रत्येक समुदाय तन मन धन से गौ सेवा में अपना सहयोग कर रहा है। गांव की युवाओं की टीम अल सुबह से देर रात तक निस्वार्थ भाव से गौ सेवा में जुटी रहती है। विजेंद्र सिंह ने बताया, पिछले एक सप्ताह से पशु चिकित्सकों की सलाह, निगरानी में आयुर्वेदिक देशी दवा काढ़ा जैसे नुस्खे अपनाकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खल चूरी ग्वार का दाला गुड़ आटा सूखा हरा चारा खिलाया जा रहा है। साफ सफाई का ध्यान रखना व नीम के पानी दवा का स्प्रे करवाया जाता है। शनिवार से ग्रामीण जन सहयोग से खाखोली सावलोदा भर आश्रम राजेश्वरी महंत श्री रघुवर की दिशा निर्देश अनुसार सभी गोमाता के लिए देसी दवाई के लड्डू बनाए गए। सूखी मिट्टी डलवा रखी गई है। युवा टीम सावलोदा धायलान इलाके में घूमते पीड़ित बेसहारा गोवंशों को गौशाला लाने का काम करती है। सुमेर सिंह ने बताया, लंपी संक्रमित गोवंश की समुचित देखभाल करने पर भी उसे ठीक होने में 20 दिन से एक महीना लग जाता है। वहीं इम्यूनिटी पावर अच्छा होने पर जल्दी भी ठीक हो सकता है। अब तक इसकी दवा नहीं है, चिकित्सक भी एंटीबायोटिक व दर्द निवारक दवाइयां दे रही हैं। इस अवसर पर विजेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह, सुमेर सिंह, प्रदीप सिंह, पृथ्वी सिंह, विक्रम सिंह, वन्य गोभक्त उपस्थित रहे।